आ चुका है एक जायंट हल्क बस्टर। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि कुमू मुझे कब से कॉल करे जा रहे कि शोरूम पे जल्दी आ जाओ। पता नहीं काम तो क्या है, मैं अपनी फेवरेट वेट मेरी बाइक कहाँ गई? अरे यहीं पर तो मैंने अपनी पार्क की थी बाइक, पता नहीं कहाँ चली गई। वेट शायद उस साइड होगी क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ और उस साइड पे पार्क कर लेता हूँ, तो मैं इस साइड पे भी देख लेता हूँ और इस साइड पे भी नहीं है। भाई कहाँ गई मेरी फेवरेट स्प्लेंडर, ना तो उस साइड पे ना तो इस साइड पे। वेट क्या पीछे नहीं है? कभी कभी मैं पीछे ही पार्क कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड बस पीछे होनी चाहिए। और यस ये रही, चलो फाइनली मुझे मिल तो गई। और पता नहीं मैंने तो पार्क की नहीं की थी घर के पीछे, लेकिन अपने आप ही आ गई, तो ठीक है बट मिल चुकी है। अब मैं सीधा जाता हूँ शोरूम पे और मुझे लिटरली में कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर शोरूम पे हुआ क्या है या फिर क्या है जो कुमू मुझे इतनी सारी कॉल करके कह रहा है जल्दी आ जा शोरूम पे, तो यस मुझे जाना पड़ेगा। अरे भाई सॉरी। अरे कोई बात नहीं। ओके तो मैं अपने शोरूम पे पहुंच चुका हूं ऑलमोस्ट, और ये रहा मेरा शोरूम और ये रहा कुमू। अरे भाई एक सेकंड रुक जा। अरे डीटीएन सर आप आ गए, थोड़ी सी लेट कर ली लेकिन जल्दी से अब जाके अंदर देखो। अंदर मतलब शोरूम के अंदर जाके देखना है मुझे? हां शोरूम के अंदर जाके देखो, एक सरप्राइज है काफी ज्यादा बड़ा। अच्छा लेकिन ऐसा क्या है जो इतना बड़ा सरप्राइज है? लेकिन सरप्राइज है तो तू कैसे बता सकता है? ठीक है मैं खुद ही जाके देखता हूं शोरूम के अंदर। वेट मुझे कुछ नजर आ रहा है। वेट भाई जो मैं सोच रहा हूं वो तो नहीं है, लेकिन मुझे जाके कंफर्म करना पड़ेगा। अबे हाँ भाई न्यू का डिफेंडर का स्टॉक आया है। दो दिन पहले इस गाड़ी के बारे में मुझे कुमू बता रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि फर्स्ट ये हमारे शोरूम पे आने वाली है। और क्या लग रही है? नहीं भाई ये तो मुझे पसंद आ चुकी है, और अभी के अभी मैं शोरूम से एक गाड़ी लेके जाऊंगा, बस मैं जाके एक बार कुमू को बता देता हूँ। अरे कुमू बात सुनो। हाँ डीटीएन देख लिया सरप्राइज? अरे मैंने देख भी लिया और मुझे पसंद भी आ चुकी है, और अभी के अभी मैं एक लेके जा रहा हूँ, तू मेरी फेवरेट स्प्लेंडर को अपने घर मुझे देके जाना। अच्छा ठीक है लेट्स गो। भाई मैंने कुमू को बोल दिया अपनी फेवरेट स्प्लेंडर वो घर पे ही देके जाएगा, मैं इस वाली डिफेंडर को लेता हूँ और सीधा इसको बाहर लेके जाता हूँ। और इसमें मुझे थोड़ी बहुत चेंजेस भी करवानी है, लेकिन पहले मैं शोरूम से बाहर तो इसको निकालूं। और भाई क्या लग रही है, मुझे आराम आराम से यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरी गाड़ी को कुछ भी ना हो, आराम आराम से यहाँ से निकल जाएगी। मैं ट्राई तो करता हूँ, ओएस निकल रही, थोड़ी सी अटकी, थोड़ा सा टर्न और निकल गई। और ये फाइनली भाई मैंने डिफेंडर को बाहर निकाल लिया, और मुझे तो लगता है पूरी की पूरी सिटी में अभी सिर्फ मेरे पास ये वाली कार है। सच्ची में मुझे तो काफी ज्यादा ही अच्छी लगी और क्या क्रेजी लग रही है। लेकिन हाँ मैं तुम लोगों को बोल रहा था मुझे कुछ इसमें चेंजेस करवानी है। भाई मेरी न्यू गाड़ी है। भाई ये क्या हुआ? लेकिन अच्छा हुआ मेरी डिफेंडर को हुआ कुछ नहीं। आम मैं कह रहा था मुझे इसमें एक चेंज करवानी है, वो है इसका कलर जो कि मुझे चेंज करवाना है। सामने एक शॉप है, आई मीन शॉप नहीं है, एक स्ट्रीट है, उसके बीच से हम जैसे ही निकलेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस वहां पर हमें एक कलर चूज करना पड़ेगा, बस सामने ही वो वाली स्ट्रीट है। और यस बस मैं पहुंच गया और यहाँ पर मुझे कलर चूज करना है। आई थिंक यस ऑप्शन आ गया, व्हाइट कलर जो कि मेरा ऑलरेडी हुआ पड़ा है। रेड नहीं करवाना, येलो भी नहीं करवाना, ग्रीन भी नहीं, ऑरेंज भी नहीं, ब्लैक करवाना है मुझे। चलो ब्लैक को यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपनी कार को निकालता हूँ, इस वाली स्ट्रीट से निकलते हुए मुझे उस साइड से जाना है और कलर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट तो मेरी कार का कलर हो चुका है चेंज, और ये ब्लैक में ठीक लग रही है, उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इस साइड से कोई आवाज मुझे सुनाई दे रही है, ये क्या है मुझे देखना पड़ेगा। भाई ये क्या है जो उड़ते जा रहे हैं हमारी सिटी में? ये क्या था आसमान में उड़ते जा रहा था? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं जल्दी अपनी कार को लेके जाता हूँ और जाके न्यूज देखता हूँ घर में। ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी है मैंने अपनी सिटी में, और फर्स्ट टाइम देखी जो उड़ते जा रही थी, और वो मुझे आयरन मैन की तरह लग रहा था। लेकिन आयरन मैन इतना मोटा कब से हो गया? ओ शिट, क्या ये हल्क बस्टर था? अगर मैंने गैस ठीक किया तो मुझे वही लग रहा था हल्क बस्टर, लेकिन अगर तुम लोग को पता है और तुम लोग कंफर्म हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ ये कौन था। ओके मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, कार को यहीं पर ही मैंने पार्क कर दी, और मैं जल्दी जाता हूँ, जल्दी टीवी को ऑन करता हूँ और न्यूज देखता हूँ। अगर मैंने सिटी में देखा तो डेफिनेटली काफी सारे लोगों ने देखा होगा, रिकॉर्ड भी किया होगा। मैं बस टीवी को करता हूँ ऑन। इंडियन बाइक्स ड्राइविंग दिल्ली की सिटी वाले ध्यान में रहिए, क्योंकि सिटी में आ चुका है एक जायंट हल्क बस्टर, और हम तुम लोग को सिर्फ यही बताने आए कि ये कोई भी अच्छा नहीं है, ये पूरी की पूरी सिटी में तबाही मचाने आया, और इसका मकसद है सिटी को खत्म करना। और हर बार की तरह इस बार भी पुलिस और दूसरे लोग सारे के सारे इससे डर रहे हैं। अब सिटी का फिर से क्या होगा?
व्हाट भाई, ये क्या है? पुलिस वालों को तो हर बार का हुआ पड़ा है, जो भी आता है ये सारे के सारे पुलिस वाले डर रहे हैं सभी से। मतलब इस बार भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, जो करता है आरजी स्टूल करता है। तो मैं अपना आरजी स्टूल निकालता हूँ और उसको सारी की सारी सिचुएशन बताता हूँ। तो मैं अपना आरजी स्टूल निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मुझे टाइप करना है। मैं कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट टाइप कर लिया, हल्क बस्टर अटैक ऑन माई सिटी, आई वॉन्ट टू फिनिश हल्क बस्टर। तो यस, मैंने कुछ इतना ही टाइप कर लिया। अब बस मुझे इसको नीचे से करना है डन। फर्स्ट मैसेज आ चुका है, फिनिश अ गाय विद योर फिस्ट। ओके, तो अब जिन लोग को नहीं पता फिस्ट मतलब क्या, तो फिस्ट मतलब मुक्का। मुझे एक बंदे को फिनिश करना है, वो भी मुक्के से। तो यस, मैं जल्दी जल्दी एक बंदे को ढूंढता हूँ और उसको अपने मुक्के से फिनिश करता हूँ। तब तक तुम लोग सारे के सारे मिलके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऑलराइट, मेरे सामने गए। अबे तू फिनिश का ये का, अबे इधर आ मुझसे लड़ना। अरे भाई क्यों, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू जाके अपना काम कर। फालतू में मैं तुझसे क्यों लड़ू? अच्छा, अब तुझे ये लड़ना फालतू में लग रहा है, मुझसे लड़, मुझे सिटी को बचाना है। अबे ये भी का और ये भी का, ये भी का, फिनिश हो जा भाई। और यस हो गया, चलो ऊपर की तरफ बना के डन हो चुका है। मतलब एक फिनिश हो चुका है और ये वाला टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरा डन। एक और मैसेज आ चुका है, फाइंड दिस। ओके, ये एक हल्क का कॉस्ट्यूम है, मतलब मैं हल्क बनूंगा उस वाले हल्क बस्टर को फिनिश करने के लिए। लेकिन ये है कहां पर? ओ शिट, ये तो एक चैलेंज के एंड में है। मतलब मुझे उस वाले हल्क की कॉस्ट्यूम तक पहुंचने के लिए उस वाले चैलेंज को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो वाला चैलेंज इतना ज्यादा टफ होता है, लेकिन मुझे कैसे भी करके उसको कंप्लीट करना है तो करना है। और वैसे भी करना ही होगा, बिकॉज मुझे वो वाला हल्क का कॉस्ट्यूम चाहिए। ऑलराइट, तो मैं पहुंच चुका हूं उस वाले चैलेंज के पास, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। एंड यस, अब यही है वो चैलेंज जो कि मुझे कंप्लीट करना है और इसके एंड तक पहुंचना है। और यहां पर एक बाइक है, इसी से ही मुझे कंप्लीट करना है इस वाले चैलेंज को। तो यस, मैं रेडी हूं, पहले इस वाले चेक पॉइंट से मैं इसको गुजार लूं। और यस, अब मुझे बस चैलेंज को कंप्लीट करना है आगे। और यहां से बिल्कुल इजी नहीं, 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 नहीं। मैंने तो वो वाला फ्लोर समझा था जो कि मेरे घर में भी लगा होता है, लेकिन ये चौथे फ्लोर है, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। और वो गए, अब ये पंखे तो इजी है, और बस ये लास्ट है, और एक झटके में सारे के सारे पंखे गए। अब मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। वेट, ये क्या है? ये मुझे कुछ अलग ही टाइप का लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कुछ ऐसा। लेकिन एक तो गया, अबे दूसरे में मैं अटक गया शायद से, पिछले पिछले पिछले, अबे मैं नहीं 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 नहीं, शिट भाई, मुझे ध्यान से जाना चाहिए था, मैं समझ ही नहीं पाया और मैं अटक गया यहाँ पर ही। इस बार मुझे ध्यान से इन दोनों को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल इजीली हो गया था, सेकंड में ही प्रॉब्लम होती। और ये भी गया, और ये सेकंड है थोड़ी सी स्पीड और गए, आई मीन दोनों ही क्रॉस हो चुके। अब मुझे सामने की तरफ ये इतू सी वाल नजर आ रही है, इस वाली बाइक से मैं इसको क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं ट्राई तो करता हूँ। मैंने फुल स्पीड दे दी और ये जा रहे और कंप्लीट। और अच्छा हुआ वहां पर चेक पॉइंट भी था, तो मैंने वहां से भी क्रॉस कर लिया। अब मुझे आगे की तरफ जाना है और वहां पर एक एरो दिखा रहा है मुझे, इसका मतलब मुझे ऊपर ही जाना है। और इस वाली वाल से मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ? नहीं, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई और रास्ता होगा जो कि मुझे ऊपर उस वाली टनल तक पहुंचाएगा। लेकिन वो कौन सा रास्ता है? या फिर ऐसे भी हो सकता है मैं अपनी बाइक को पीछे लेके जाता हूँ, फिर फुल स्पीड में इस वाली दीवार से चिपका तो और शायद से मैं ऊपर वाली टनल तक पहुंच जाऊँ। यस, ये एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, शायद से इससे मेरा काम हो जाए और मैं ऊपर चला जाऊँ। ओके, मैं फुल एक्सीलेटर दे देता हूँ और मेरी बाइक स्पीड में आ चुकी और ये दीवार से चिपकी, लेकिन ये तो यहीं पर अटकी हुई है। नहीं, ऐसे ये नहीं होगा, इसका कोई और रास्ता है जो कि मुझे सेकंड टनल तक लेके जाएगा जो कि ऊपर है। ओ वेट, मुझे एक आइडिया है, जो साइड से ये टनल है वो मिली हुई है, मतलब मैं इस साइड से जा सकता हूँ। एक बार ट्राई करके देखता हूँ, शायद ये वाली चीज वर्क कर जाए, मुझे अपनी बाइक को साइड से लेके जाना है। यस यस, और वो टनल आए, मुझे टर्न करना है और मैं आ गया सेकंड टनल पे। मतलब यही था रास्ता इस वाली टनल के ऊपर जाने का। मुझे फिर से एक और नजर आ रही है, तो मुझे इस साइड से जाना है और टर्न, और इस पे भी आ गया। भाई क्या दिमाग लगाया इस वाले चैलेंज को बनाने वाले ने, क्रेजी बनाया था, बट मैंने जैसे तैसे उसको कंप्लीट कर लिया। आई मीन उसको क्रॉस कर लिया, कंप्लीट तो भी इतना ज्यादा पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ से ध्यान से जाना है और इस साइड से डस्टबिन से, इस साइड से भी, लेकिन इस साइड से थोड़ा सा रास्ता है। और ये वाली चीज मैं एक और रैम में भी कर चुका हूँ, तो ये मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। अब मुझे बस यू टर्न करना है और फिर सीधा जाके उस वाले फ्लोर तक पहुंचना है, और बस मेरा इजीली हो भी गया। थोड़ा सा आराम से टर्न करना है, उस साइड भी नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं पीछे लेता हूँ पीछे और इसके ऊपर। और ये दो फ्लोर है, आई थिंक साइड से जाना है, नहीं बीच से भी रास्ता है, और वहां पर चेक पॉइंट हो, तो मुझे अपनी बाइक को यहाँ से गुजरना है और बीच में इतू सी वाल है, लेकिन छोटी सी है तो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। मैं जाता हूँ और ये सीधा चेक पॉइंट। अब मुझे नीचे नहीं जाना था, मुझे लगा वहां पर कुछ है, लेकिन कुछ नहीं था। और अच्छा हुआ यहाँ पर चेक पॉइंट था, तो मैं वहीं से स्टार्ट हो चुका हूँ। अब मुझे यूं घूम के जाना है, जो कि काफी ज्यादा ही टफ है, मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा, बस मेरी बाइक ना चल जाए। मैं अटक गया, ओ शिट मैं अटक गया, ओ मेरी बाइक ऊपर आ गई।
गई। अच्छा हुआ नीचे गिरते गिरते मैं बचा हुआ, मुझे ध्यान से जाना है और ये मुझे घूम के वहाँ तक पहुँचना है। लेकिन अगर मैं आराम से करूंगा तो शायद मैं कम्प्लीट कर सकता हूँ, और आधा तो मैंने कर भी लिया है और पहुँचने वाला हूँ बस में। लेट्स गो थोड़ा सा और बस में पहुँचने वाला हूँ और यस ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया। एक और भी टनल है जो मुझे घूम के जानी है, अब मुझे जल्दी से इसको भी कम्प्लीट करना पड़ेगा। उसके पीछे और भी है तीनों को, तो ये सब मैं तीनों को कम्प्लीट करता हूँ। पीछे आ जा अटकना नहीं। ओ शिट अटक गई आई थिंक। मैं उतर जाता हूँ इस बाइक से, एक और स्पॉन करवाता हूँ और दोनों के दोनों मैं इनको कम्प्लीट करके वहां तक पहुंचता हूँ। ऑलराइट, तो इतना ज्यादा टाइम लगाने के बाद फाइनली मेरे क्रॉस हो चुके हैं। अब मुझे ऊपर जाना है और वहां पर मुझे एक चेक पॉइंट नजर आ रहा है जो कि बेस्ट है। अगर चेक पॉइंट ना हो ना तो फिर मुझे अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, लेकिन चेक पॉइंट की वजह से मैं नीचे जा रहा हूँ फिर भी वहीं से स्टार्ट। और अगर तुम लोगों को नहीं पता कि चेक पॉइंट का कैसे यूज होता है, तो जो स्लो मोशन वाला ऑप्शन है उसको जैसे ही क्लिक करोगे तुम लोग चेक पॉइंट वाली पोजीशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये मुझे क्या हुआ, इतना ज्यादा ऊपर आ गया। अब मुझे आराम से लैंड करना है और ये सब मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ओके, तो एक और टनल आ चुकी है और इसके मुझे नीचे जाना है और वहां पर एक रास्ता बना हुआ है, तो मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा और इसके रास्ते के ऊपर मैं आ जाऊं और यस आ गया। अब बस मुझे इसी को ही फॉलो करते जाना है और नीचे जाते जाना है और मैं टनल के नीचे जाते जा रहा हूँ। और ये कितनी ज्यादा क्रेजी फील दे रहा है, मतलब टनल के अंदर एक रास्ते और उस रास्ते में मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ। काफी ज्यादा ही मजा आ रहा है, बस मैं नीचे ना चला जाऊं मजे में। ओ यस, बस कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा और यस हो गया। अब मेरे सामने मेरा फेवरेट फ्लोर रेडियस, ये मेरा फेवरेट फ्लोर है क्योंकि बिल्कुल इजी होता है ये। वो तो ठीक है, लेकिन ये मुझे सामने रैंप्स कितने सारे नजर आ रहे हैं, सारे के सारे यू है। मेरी बाइक ना फिसल जाए, मैं फुल स्पीड दे देता हूं ताकि मैं जल्दी पहुंच जाऊं, नहीं तो मेरी बाइक फिसल सकती है। और ये लास्ट है और यस पहुंच गया और ये रहा चेक पॉइंट। पहले मैं अपनी बाइक को चिपका लेता हूं और ये चेक पॉइंट पे हो चुकी है। अब मुझे इस साइड पे जाना है और रेड के साथ ये वाला फ्लोर भी मेरा फेवरेट है क्योंकि ये भी बिल्कुल इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये भी इजी है। बस थोड़ा सा ध्यान से जाना है और ये ऑलमोस्ट मेरा क्लियर हो चुका है। अब मुझे इस साइड पे जाना है और डस्टबिन का रास्ता है, इसका मतलब बाइक अटक सकती है मेरी, लेकिन ध्यान से अगर मैं जाऊं तो नहीं अटकेगी। और ये क्रॉस भी हो गए, मैं जा रहा था नीचे लेकिन ठीक है। अब ये दूसरा रास्ता, ये मुझे ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा और मैं नीचे जाना ही नहीं चाहता। और यहाँ से थोड़ा सा टर्न है, बस थोड़ा सा, ये ज्यादा ही नहीं करना है नहीं तो मैं नीचे जाऊंगा। और ये सो गया, बस थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा और ये सब ये फिर से आ चुका है, मुझे फिर से घूम के जाना पड़ेगा। चलो इस वाले सर्कल को मैंने कंप्लीट कर दिया और ये एक रैंप, यहाँ से मुझे जंप करना है। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मुझे फुल स्पीड में जाना है क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं है। ओके, मैं बिल्कुल पीछे आ चुका और मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया इस बार और ये मैंने जंप किया और ये इसका एंड है। लेट्स गो भाई, मैं पहुंच गया इस सारे चैलेंज के एंड में। ओके, तो ये रहा वो हल्क का कॉस्ट्यूम। एंड भाई, ये जितना मैंने सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट। चलो, तो यहाँ से मैंने हल्क के कॉस्ट्यूम को कर लिया कलेक्ट, लेकिन ये क्या है? अबे शिट भाई, शिट। फाइनली मैं बन चुका हूँ एक जायंट हल्क और मैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। अब जाके मैं उस वाले हल्क बस्टर को देखता हूँ। अरे वहीं पर क्या, तू कहीं पर भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के फिनिश करूंगा, मैं बस पहुंच रहा हूँ, तुम यहीं पर ही रहना। तू आ गया डीटीएम एक हल्क बन के, अब मैं हूँ हल्क बस्टर, तू है नॉर्मल, तू ही बता तू मेरा आखिर करेगा क्या। अबे मैं एक ओरिजिनल हल्क हूँ, तू आयरन मैन और मेरी कॉपी है, तू कोई भी रियल एवेंजर नहीं है। अच्छा रुक, मैं तुम्हें देखता हूँ। अबे तू क्या, मैं तुम्हें देखता हूँ, तू ये खा और ये खा। चलो भाई, मैंने उस वाले हल्क बस्टर को फाइनली फिनिश कर दिया और एक बार फिर से मैंने अपनी सिटी को बचा लिया फाइनली। तू रुक, मैं तुम्हें देखता हूँ। एंड हिज नेम इज जॉन सीना।